मैं पंकज कुमार तिवारी, आज माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी हम लोगों के बीच में है। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते पंकज जी। सर जो ये आज MLC का चुनाव आप लड़ रहे हैं सर, उसमें क्या मांगे हैं आपकी? सर देखिए, हमारी मांगे तो बहुत हैं, लेकिन हम दो संकल्पों के आधार पर चुनाव के मैदान में हैं। हमारे दो संकल्प हैं, जिसमें पहला संकल्प है कि कोई रिटायर व्यक्ति हमारा नेता नहीं होगा, और मैं भी अगर रिटायर हो जाऊंगा तो मैं रिटायर होने के बाद किसी भी दशा में चुनाव नहीं लड़ूंगा और न ही संगठन के किसी पद पर रहूंगा, बल्कि संगठन में मार्गदर्शक मंडल में रह के अपने शिक्षक साथियों का सहयोग करता रहूंगा। मेरा दूसरा संकल्प है कि हमारे जितने भी शिक्षक विधायक हैं सब रिटायर हैं, सब दो पेंशन पाते हैं, और आज का हमारा नौजवान 2005 के बाद का नौजवान एक भी पेंशन नहीं पाता है। ये बड़ा दुखद विषय है। अगर मैं चुनाव जीता तो मैं दूसरे दिन ही राज्य सरकार को लिखित रूप में दूंगा कि जब तक युवाओं को मैं पेंशन योजना में शामिल नहीं करा लेता तब तक मैं विधान परिषद वाली पेंशन नहीं लूँगा। ये लोग दो पेंशन पाते हैं, ये लोग हम लोगों के नेता हैं, और हमारा शिक्षक साथी नौजवान साथी एक भी पेंशन नहीं पाता। उधर वित्त विहीन शिक्षक साथियों की दशा किसी से छिपी नहीं है। वित्त विहीन शिक्षक साथियों को जब भी चुनाव आता है तो बरगला के लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं आज तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में वो बेचारे भुखमरी के कगार पर हैं। 2,000, 3,000, 4,000 रुपये में वो नौकरी करते हैं, और बोर्ड परीक्षा के बाद से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय बंद हैं, और जब विद्यालय बंद हैं तो फीस नहीं आ रही है, और जब फीस नहीं आ रही है तो उनको वेतन नहीं मिल रहा है, वो भुखमरी के कगार पर हैं। मैंने राज्य सरकार को भी पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा था, और पत्र लिख के उनसे मांग की थी कि आप प्रदेश के मजदूरों को सहायता दे रहे हैं तो उसी तरह से इन शिक्षक साथियों को भी सहायता दीजिए, ये शिक्षक साथी कहाँ जाएंगे। जैसे सर अभी आप एक बार मूल्यांकन का आपने मुद्दा उठाया था, मूल्यांकन में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मूल्यांकन आज इस कोरोना के पीरियड में मूल्यांकन करना सबसे खतरनाक काम था, लेकिन राज्य सरकार हमारे संगठनों की निष्क्रियता के चलते जितने भी रिकॉग्नाइज संगठन अपने को बताते हैं किसी ने मूल्यांकन बहिष्कार की बात नहीं कही। सब केवल नपी तुली भाषा में राज्य सरकार की चापलूसी करते दिखे। मूल्यांकन इस कोरोना के पीरियड में बहुत खतरनाक काम था। राज्य सरकार संगठनों की निष्क्रियता को देख के शिक्षकों को तीन भागों में बांट दी, एक ग्रीन जोन के शिक्षक, एक ऑरेंज जोन के शिक्षक, एक रेड जोन के शिक्षक, और अलग अलग बांट के एकदम वही अंग्रेजों की पॉलिसी अख्तियार करके कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। इसी पद्धति पर मूल्यांकन कार्य कराया गया, खैर सकुशल संपन्न हुआ। हम अपने शिक्षक साथियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, को स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और सर जो अभी ये सरकार के द्वारा जो ये योजना चलाई गई डिजिटल पढ़ाई के लिए, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? डिजिटल पढ़ाई तो एकदम तमाशा है, ये ऑनलाइन पढ़ाई है। ऑनलाइन पढ़ाई में CBSE के विद्यालयों की ये तुलना करते हैं। हमारे माननीय जो डिप्टी CM महोदय हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, ये ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। इनका जोर है कि अब शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। इस